बैठी रहो, तुम्हें सिर्फ देख रहा हूँ। सुनो तो, बलू। क्या बात है मोगली? मुझे अपने चश्मे दो ना प्लीज। मेरे चश्मे क्यों? मैं इन तितलियों को करीब से देखना चाहता हूँ, पर जब भी इनके पास जाता हूँ ये उड़ जाती हैं। पर बात ये है मोगली, इनके बिना मैं ठीक से देख नहीं पाता। प्लीज, मैं जल्दी वापस कर दूंगा, सच्ची ये वादा है मेरा। अच्छा तो ठीक है, पर जल्दी लौटा देना। देखो तो मुझे कैसा लग रहा हूँ बलू, मैं हूँ दिमाग वाला मोगली, इस जंगल का राजा। देखना कहीं गिरा मत देना, मेरे पास ये एक ही चश्मे हैं। टेंशन मत लो बलू। ओह, ये वाली तितली सबसे खूबसूरत लगती है। ये भी अच्छी है। बस अब बहुत हो गया मोगली, चश्मे लौटा दो जल्दी दो, वरना मैं बेहाल हो जाऊंगा। हाँ अभी देता हूँ, बस थोड़ी देर प्लीज। देख के इंसानी बच्चे, मेरी पूंछ पर खड़े हो तुम। माफ करना मैडम, दरअसल मेरी एक चीज खो गई है। हे! तुम चिल्लाए क्यों मोगली? किससे बात कर रहे थे? और मेरे चश्मे कहाँ हैं? अरे कहाँ ले जा रही हो? वो मेरे दोस्त के हैं। कहाँ चली गई थी? चलो ना खेलते हैं। क्या हुआ, खेलने का मूड नहीं है क्या? खेलना बच्चों का काम है। जरा देखो तो, माशा इतनी बड़ी हो गई कि अब हमें बच्चा कह रही है। साफ साफ असली बात क्यों नहीं बताती माशा? अब मैं हूँ दिमाग वाली माशा, इस जंगल की रानी। माशा बंदरिया लग रही हो, कहाँ से मिले तुम्हें ये? इन्हें चश्मे कहते हैं और सिर्फ मेरे जैसे दिमाग वाले जानवर इन्हें पहनते हैं। ये किसका माते हैं? ज्यादा सवाल मत करो, अब वक्त है रानी माशा का अपने लोगों से बात करने का। मोगली, क्या तुम्हें यकीन है चश्मे एक बंदर ही लिए गया? बंदर नहीं, बंदरिया, पक्का कह रहा हूँ। एक बंदर हो या बंदरिया, मेरा तो नुकसान हो गया ना, इन बंदरों का दिमाग खराब होता है। ओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बलू, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने तो माफी मांग ली, पर मुझे इनके बिना ही जिंदगी काटनी पड़ेगी ना। अब ऐसे खड़े खड़े मुझे देख क्या रहे हो, ऐसी रोतड़ू सी शक्ल मत बनाओ। बलू, तुम एक पेड़ से बतिया रहे हो क्या? बगीरा, हमें ठंडी गुफा की तरफ जाकर उन बंदरों को ढूंढना होगा। नहीं मोगली, आज रात तुम कहीं नहीं जाने वाले। खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। बंदरिया कहीं की, समझ में नहीं आता वो चश्मे का करेगी क्या। हाँ तो तुमने पूछा था पहाड़ों पर बर्फ क्यों जमती है, रानी माशा जवाब देगी। दरअसल पहाड़ों पर बर्फ चांद से गिरती है। तो चांद पे बर्फ कहाँ से आती है? वहीं जमती है, तभी तो वो इतना सफेद है। मैं पूछूंगा, हाथियों की नाक इतनी लंबी क्यों होती है? इतना आसान सवाल, अरे उसकी मदद से वो पेड़ पर चढ़ते हैं। पर मैंने किसी हाथी को पेड़ पर चढ़ते नहीं देखा। अब तुम्हें बता कर वो पेड़ पर चढ़ेंगे। हमारी रानी माशा बंदरों के इतिहास की सबसे समझदार बंदरिया है। बस अब और सवाल नहीं, अब जाओ और अपनी रानी के लिए खाना लेकर आओ और साथ ही रानी के लिए राज सिंहासन भी लाओ। कहा ना और सवाल नहीं।
मैं तो ये पूछ रहा था कि ये राज राज सिंहासन क्या होता है। तुम कुछ खाओगे नहीं मोगली? नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे अब सोना चाहिए। गुड नाइट बगीरा, गुड नाइट बलू। बलू मुझे माफ करना। गुड नाइट मोगली। आपको पसंद है ना रानी माशा? छी, ये कच्चा है। ये तो अच्छा है ना रानी माशा? बहुत पका है। कौन है ये गुस्ताख? इंसानी बच्चा। तुम बंदरों को तो रानी की कतरी नहीं है। कोई गाना गाओ, कोई ऐसा गाना जो सिर्फ मेरे लिए लिखा गया हो, ताकि जो भी जानवर उसे सुने तो उसे लगे मैं यानी रानी माशा इस बंदर इलाके की रानी हूँ, समझे? बलू, तुम्हें नहीं लगता तुमने मोगली को गुस्से में कुछ ज्यादा ही डांट दिया? उसे पता भी नहीं था कि वो बंदरिया आस पास है। सही कह रहे हो बघीरा, मुझे भी लग रहा है शायद वो बुरा मान गया होगा। ओ बेचारा मोगली, कैसे दुबक कर सोया है, कहीं इसे बुरे सपने ना आ रहे हो। बलू, ये मोगली नहीं है, वो कहीं गया है। अरे कुछ तो गाओ। हाँ, रानी माशा, तुम रानी हो महान, जिनकी अपनी है शान, ऐसा और कोई नहीं महान। इंसानी बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लिए गा रहा हूँ रानी साहिबा। रानी माशा, तुम रानी हो महान, तुम रानी हो सुंदर, ये मानते हैं सब बंदर। तुम दिल की एकदम सच्ची, जैसे कोई भोली बच्ची और खाती हो केले। तो चलो अब डांस हो जाए। आवाज वहीं से आ रही है। वाह, क्या नाचती हो! पर और अच्छा नाचोगी अगर चश्मे मुझे दे दोगी। अरे देख क्या रहे हो, जाओ पकड़ो उसे। पर हम क्यों जाएं? तुम्हारी रानी होने की। शेर खान, अगर तुम्हें इसे खाना है तो तुम्हें पहले मुझे खाना होगा। जैसा तुम कहो, इसे मैं मीठे में खा लूंगा। आ गए हैं हाँ। मोगली, घबराना मत। कौन है ये गुस्ताख? देख लूंगा एक एक को। वाह मोगली, ठंडी गुफा में अकेले जाकर तुमने अपनी बहादुरी का सबूत दिया है, पर तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे, इसलिए अगली बार ऐसे मौकों पर हमें बता कर जाना। माशा ने भी बहादुरी दिखाई और उसके साथियों ने भी उसे माफ कर दिया, पर एक नई
मुसीबत खड़ी हो गई है। अब जब इन्होंने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। आज तेरा कीमा बना कर रहूंगा। बचाओ! देखो एक शेर पल भर में कैसे बूढ़ा बिल्ला बन गया। माशा ने तो जादू कर दिया। चल अब यहाँ से फुट ले बिल्ले, वरना तेरी चटनी बना दूंगी। ये तुमने क्या किया माशा? शेर खान की कहानी खत्म। मैं माशा आज से जंगल की रानी हूँ। तुम सबकी नई लीडर बन गई मैं। माशा ने शेर खान को बिल्ले में बदल दिया, मतलब उसकी आवाज भीगे बिल्ले जैसी थी। क्या शेर खान बिल्ला बन गया? क्या बकवास है। कितने मजाक हो तुम्हें की। इन बंदरों को क्या हो गया? हमारे घर में क्यों तबाही मचा रहे हैं? बंद करो ये सब बंदरों। खामोश बल्लू, ये मेरा जंगल है, जो मन करेगा हम वही करेंगे। तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारी रानी हूँ और तुम मेरी जनता? जंगल नहीं, तुम किसी गटर की रानी हो माशा। इन पर नजर रखना, ये बगावत कर सकते हैं। अगर शक हो तो इन्हें गंजा कर देना। क्या करे इस बंदरिया का? सबसे पहले तो हमें शेर खान से मिलना होगा। ये इसे क्या हो गया? मेरे आका, कफा हो जाओ और अकेला छोड़ दो मुझे। मैं किसी का आका काका नहीं हूँ। अब मैं किसके दम पर दूसरों पर धौंस जमाऊंगा? इकी सच कह रही है, शेर खान तो सच में बिल्ला बन गया। उसकी आवाज अजीब हो गई है, पर ये बिल्ला नहीं बन गया मोगली। शेर खान का बस गला खराब हो गया है। अब ये ठीक कैसे होगा? गले का उपाय, थोड़ा शहद खाया जाए, आसान सा इलाज है। अब जल्दी चलो, हमें उस पागल बंदरिया को रोकना होगा। तुमने सुनी ना इनकी साजिश? चलो चलकर माशा को बताते हैं, जल्दी चलो। जंगल की नई रानी के लिए ये नाचीज गीदड़ खास संदेश लाया है। नाचीज गीदड़ संदेश लाया है? गीदड़ एक चीज लाया है, चीज एक गीदड़ साथ लाया है। जो आया है उसे मेरे पास भेज दो। जो आया है उसे खोजो। खोजो उसे जो आया है। खोजो जिसे वो आया है। जंगल की नई खूबसूरत रानी, अपनी ताकत को मेरे दिमाग के साथ मिला दीजिए, फिर देखना हम जंगल का इतिहास बदल देंगे। इंसानी बच्चा और मोटू भालू शेर खान को ठीक करने वाले हैं। क्या? उन्हें रोकना होगा। जाओ ढूंढो उन्हें। और रानी साहिबा, मैंने सब सुन लिया, ये काम आप मुझे करने दीजिए। उन लल्लुओं को पकड़ने में मैं माहिर हूँ। पर तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो? मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ रानी साहिबा। आपकी महान ताकत के सामने वो शेर खान एक मामूली बिल्ला है। बहुत खूब, किसी को तो ये पता चला। आज से तुम मेरे सेनापति। मोना, मीरा, इसके साथ जाओ और उस इंसानी बच्चे और भालू को ले आओ। बड़ा छत्ता था, बहुत शहद निकला। थोड़ा सा शेर खान के लिए भी छोड़ देना। हाँ, इसमें हो जाएगा। देखो बल्लू, मैंने गुलाल बनाई है, उन शैतान बंदरों से निपटने के लिए काम आएगी। अब चलो शेर खान के पास चलते हैं।
अब मेरा क्या होगा, मेरा इस जंगल में कोई अपना नहीं रहा। टबाकी ओ घबराओ मत, हम जल्द ही इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी धोखेबाज। मुंह बंद करो इसका। चलो रानी माशा के द्वार। ये रहे आपकी कैदी रानी साहिबा, वादे के मुताबिक। बहुत खूब, तुम बड़े काम के हो गीदर, दिल जीत लिया तुमने। और रानी तुम्हारे इस काम का इनाम देगी, आज से तुम रानी माशा के सलाहकार। ओह, एक से एक सलाह दूंगा आपको रानी साहिबा। तो मोगली के बच्चे अब मुझ पर लगाम कैसे लगाएगा? हाँ सही कहा, मैं तो कैद हूँ पर शेर खान आजाद है और देखना वो अपना बदला लेने जरूर आएगा। लेकिन चाहो तो तुम उसे पहले रोक सकती हो, उसके पास जाओ और उसे जंगल से बाहर निकाल दो ताकि सब तुम्हें अपनी रानी मान सके। रानी को क्या करना है ये एक मामूली इंसान नहीं बताएगा। मेरा सिंहासन लाओ, मैं अभी जाऊंगी। फिलहाल इन दोनों को आराम करने दो, डाल दो इन्हें जेल में। और तुम दोनों यहीं पर निगरानी रखना ताकि ये भागने की जरूरत ना करें। ये मेरा है, छोड़ दो इसे। पर हम यहाँ से वक्त पर निकलकर शेर खान तक कैसे पहुँचेंगे? टेंशन मत लो बलू, मैंने सोच लिया है। दे मुझे। एक टेस्टिया मेरे पास भी है, अगर चाहो तो तुम ले सकते हो। ओहो, ये तो बाहर ही नहीं जा रहा। काश शेद बड़ा होता तो ये तुम खा पाते। ओहो बहुत अच्छे मोगली, मिल बांट कर खाना। हाँ बोलो, शेर खान की गुफा में मिलते हैं, मैं वहाँ जल्दी से शहर लेकर पहुँचता हूँ। धोखेबाज गीदर, खामोश। जल्दी आओ मोगली। रानी माशा एक बार फिर तुमसे लड़ना चाहती है, अगर तुम हारे तो जंगल छोड़कर जाना होगा। मैं नहीं मानता। शेर खान लड़ने से मना कर रहा है और जंगल छोड़ के जा रहा है। रानी माशा की जय हो। हे बलू, क्या हो रहा है यहाँ? शेर खान ने लड़ने से इनकार कर दिया, हमें उसे फौरन शहद खिलाना होगा। ये तो मैं पलक झपकते ही कर लूंगा, चलो मेरे साथ। अच्छा फैसला लिया तुमने, वरना इस बार मैं तुम्हें चूहा बना देती। मेरे पास आओ टबाकी और मेरी जीत का जश्न मनाओ। रुक जाओ शेर खान। क्या? इंसानी बच्चे खुश हो आप? रुको शेर खान, माशा के पास कोई महान शक्ति नहीं है, तुम्हारा गला खराब हो गया है बस। हाँ तो क्या कह रही थी बंदरिया? मुझे जाने दो वरना मैं फिर से तुम्हें बिल्ला बना दूंगी। मोगली, बलू, मेरी बात तो सुनो, मुझे अपना सलाहकार रख लो, मजा आएगा। नहीं, हमें
में तो ऐसे ही मजा आ रहा है। क्यों ना तुम खुद को शेर खान से बचने की सलाह दे दो, काम आएगी तुम्हारे लिए। रुक जा धोखेबाज गीदड़। बचाओ। भगोड़ा गीदड़। जब अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी जम